जय माता दी। सभी दोस्तों को, सभी माँ के प्रेमियों को एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ अपने इस YouTube चैनल डेली यात्रा अपडेट के माध्यम से जुड़े हुए सभी चाहने वालों को प्रेम भरी जय माता दी। और साथियों, सुबह सुबह का ये ताज़ा नज़ारा आप देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से। ठीक समूचे कटरा की सुबह सुबह की तस्वीरों के साथ साथ ये ताराकोट मार्ग की तस्वीरें, और आप भी साथियों जय माता दी लेकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम जरूर लिखिए। और ये मनमोहक दृश्य सुबह सुबह का, आज सुबह का दृश्य है। कर लो दर्शन चरण पादगा के साथ साथ अर्धकुंवारी मंदिर के। हर दिन की तरह एक स्थानीय नागरिक होने के नाते मेरा प्रयास रहता है कि साथियों आप सबको सही समय के साथ सही जानकारियां प्राप्त हों घर बैठे, ताकि अगर आप भी आगामी दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो यात्रा से जुड़ी कोई प्राथमिक जानकारियां अगर आपको चाहिए तो आप निश्चित होके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करें मौसम के मिजाज की, तो पिछले कई दिनों से मौसम बेहद सुहाना है, खूबसूरत। सुबह शाम जो है हल्की ठंडी हवा चलती है, लेकिन दोपहर के समय गर्मी का एहसास ज़रूर होता है। और आप लोग देख सकते हैं ये बाणगंगा मार्ग, इसी रास्ते से जो है श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर अग्रसर होते हैं। और ये प्रयास मेरा साथियों पिछले 1.5 वर्षों से है। आप देख रहे हैं ये नदी, पवित्र नदी, यहाँ इस नदी में स्नान करके अधिकांश श्रद्धालु जो है अपनी चढ़ाई जो है आरंभ करते हैं। खूबसूरत, मनमोहक, अलौकिक। साथियों, अगर आप भी आगामी दिनों में यात्रा पे आ रहे हैं तो आप सबको कहना चाहूँगा कि मेरे इंस्टाग्राम पेज डेली यात्रा अपडेट से जरूर जुड़िए, फॉलो कीजिए आज ही। इसके साथ साथ अगर आप मेरे यूट्यूब परिवार अजनी डेली यात्रा अपडेट से नहीं जुड़े हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब फैमिली के साथ भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को प्राथमिक की जो जानकारियां रहती हैं यात्रा के लिहाज से वो साझा करने का, एक राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर। यात्रा पर्ची कैसे बुक करनी है, हेलीकॉप्टर टिकट कैसे बुक करनी है, आरती जो माँ के दरबार होती है वो टिकट कैसे बुक करनी है, और मौसम वर्तमान का कैसा है, यात्रा का आंकड़ा प्रतिदिन कितना है, ये प्रयास जो है साथियों ताकि आप लोगों को सही समय के साथ जानकारियां मिलें, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की यात्रा माँ की कृपया से मंगलम ही रहेगी। क्योंकि सही समय के साथ अगर जानकारियां आपके पास हों तो आप सही समय के साथ घूम भी सकते हो। वीडियो को साथियों लाइक करें, शेयर करें, और आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि ये परिवार आगे से आगे ले जाना हम सब का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो योगदान है अब अपने घर से बैठ के कीजिए। अपने परिवार में जितने भी लोग हैं सबको बोलिए कि डेली यात्रा अपडेट का YouTube चैनल है जो डेली आपको अपडेट देने का पूरा प्रयास करूँगा मैं, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक साझा करें। तो फिलहाल आज के लिए तो मैं ले रहा हूँ आप सबसे अनुमति, लेकिन चलते चलते माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि माँ हम सब बच्चों को हमेशा खुशियों से गतिमा रखे। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।